दोस्तों, हमने करेले की अलग अलग रेसिपीज ट्राई की हैं। आप इस बार इस तरीके से बना के देखें, बहुत ही आसानी से एकदम बढ़िया वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। करेले का जो कड़वापन है वो तो बिल्कुल ही छूमंदर हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना टेम्पटिंग लग रहा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और ये रेसिपी एक बार ट्राई करें। तो सबसे पहले हम एक पैन में करेला ले लेते हैं। तो मैंने करेले के जो बीज है उसे निकाल दिए हैं और एक बड़े करेले को 3 से 4 टुकड़ों में काट दिया है। एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, 2 से 3 मैंने सूखी लाल मिर्ची ली है, 8-10 मैंने लहसुन की कलियाँ और 2 इंच छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे और अब इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। बीच में आप इसे एक बार फ्लिप कर दें ताकि चारों तरफ से जो है ये प्याज और टमाटर करेला सब अच्छे से पक जाए। तो इसको हम इस तरह से फ्लिप कर देते हैं। अब हमारा ये सभी चीज़ें पक के तैयार हैं। तो 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा हमें उबालना नहीं, हल्का सा ये एक गर्म हो जाए उसी तरह से उसको निकाल के हम प्लेट में ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हमें करेले को जो है वो काटना है। तो आप जैसा शेप दें, आप चाहे तो गोल काट लें, आप चाहे तो लंबे इस तरह से जैसे मैंने काटे उस तरह से काट लें, जैसे चाहे वैसे करें। अब हमें जो टमाटर है उसके ऊपर जो छिलका है उसे इस तरह से निकाल लेना है, पील ऑफ कर देना है और उसे आप मिक्सर जार में डाल दें। इसके साथ ही जो प्याज है, लाल मिर्ची है और जो हमारी अदरक और लहसुन है, ये सभी हम इसमें डालेंगे और एक फाइन सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अच्छा पीस के हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में हम जो हमारे करेले हमने उबाल के रखे थे उसे फ्राई करेंगे। तेज आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे, हमें धीमी आंच पे नहीं करना है। हमको हल्का सा इसको क्रिस्पीनेस देना है, तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना है उतनी ही देर हमें रखना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तेज आँच पर, 2 से 3 मिनट। और उसको बीच में आप फ्लिप भी कर दें। थोड़ा सा हम इसमें ना स्वाद के लिए क्या करेंगे कि थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम स्प्रिंकल करेंगे सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दें आप। तो देखिए हमारा जो करेला है वो भी मतलब इस तरह से क्रिस्पी बढ़िया तैयार हो जाता है कि आप इसी को एज अ स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ये क्रिस्पी अगर किसी को पसंद है तो ये करेला भी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। अब हम उसी तेल में 1/2 चम्मच हींग डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच मैंने सौंफ डाली है और 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाला है, साथ ही साथ 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करें, धीमी आंच पे करें, ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, मसाले जल नहीं जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, नहीं तो एकदम से तेल में मसाले है ना जल सकते हैं, वो काले पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हमारी जो पेस्ट हमने रखा था तैयार करके वो इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है, तो 1/2 कप मैं अपनी जो मिक्सर जार है उसी को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करके डाल दे रही हूँ, तो 1/2 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें, 1/2 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब जब तक हमारा जो ये मसाला है वो भून के तैयार ना हो जाए, हम इसको धीमी आँच पर 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये ऑयल भी छोड़ने लग जाए। 5 मिनट में आप देखोगे तो ये बढ़िया से ऑयल छोड़ चुका होगा। देखिए आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला भून के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करें, एकदम बढ़िया से ये कोट हो जाए। इस तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। ये देखिए हमारी जो करेला मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, इसकी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और ये रोटी में बहुत अच्छे से जाएगी। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें।